हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के ब्लॉग में हम सीखेंगे कि होममेड टैन रिमूवल स्क्रब एंड पैक कैसे बनाते हैं। तो आइए देखिए। तो जैसे कि यहाँ पर हमने लिया है बेसन, चीनी, दूध, कॉफ़ी, कर्ड, हल्दी एंड लास्ट में लेमन। तो ये सारी चीज़ें आपको इजीली आपको घर में मिल जाएंगी, इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। तो इसको हम बनाते हैं और नेचुरल वे में हम अपनी बॉडी को टैन से कैसे बचा सकते हैं, तो शुरू करते हैं। पहले आप एक बाउल लीजिए। बाउल में हम सबसे पहले लेंगे बेसन। एक्चुअली बेसन की क्वांटिटी आप उतनी ही लीजिए जितना आपको यूज़ करना है। जैसे कि आपको खाली फेस के लिए यूज़ करना, तो फेस के अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी रखिए। मैं ये बना रही हूँ फुल बॉडी के लिए, तो उस अकॉर्डिंग मैं ये पूरा बेसन इसमें डाल दूँगी। तो ये मैंने पूरा बेसन इसमें डाल दिया है। देन सेकेंड स्टेप हम लेंगे, इसमें हम अब डालेंगे कॉफ़ी। तो ये मैंने इसमें कॉफ़ी डाल दी है और अब इसमें हम डालेंगे शुगर। शुगर जो होती है स्क्रबिंग के लिए सबसे बेस्ट होती है। देन हम इसमें मिलाएंगे हल्दी। हल्दी जो होती है एंटीबायोटिक भी होती है और आपकी स्किन के लिए, ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। कर्ड डालेंगे। जो कर्ड जो होता है वो मेन इंग्रेडिएंट है जो हमारे टैन रिमूवल को हटाता है। नाउ अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब लास्ट में हम डालेंगे इसमें दूध और एक लेमन। मैंने यहाँ पर फुल लेमन स्क्वीज़ किया है। ये हमने लेमन स्क्वीज़ कर दिया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा पैक हो चुका है रेडी। तो अब हम इसे लगाएंगे। इस पैक को आप फुल बॉडी में लगा सकते हैं। ये देखिए इसको लगाना कैसे है। इस ये मैं आपको सिर्फ अभी हाथ पे लगाकर दिखा रही हूँ। इसको इस तरीके से स्क्रबिंग करना है फुल बॉडी में। धीरे धीरे इसको स्क्रब करेंगे। देन लास्ट में आप इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब ये हल्का हल्का सूख जाएगा तब आप इसको हल्के से वार्म वाटर से क्लीन कर देंगे। सो नाउ द रिज़ल्ट, आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस आया है। ऑलमोस्ट 10 मेरा जा चुका है। ये देखिए इसी तरीके से आप अपनी फुल बॉडी में कीजिए और 10 रिमूव हो जाइए। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बी सेफ, बाय बाय, टेक केयर।